हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु का हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, जिसमें चल रही है हमारी फर्स्ट बुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड का नेम है हमारा एसिड एंड बेस एंड एफ ब्लॉक मेटल्स। तो एफ ब्लॉक मेटल्स के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं, और लास्ट एंड पे हमने इसमें एफ ब्लॉक के मेटल्स के बारे में पढ़ा है कि एफ ब्लॉक मेटल्स कौन से होते हैं और हमारी लेंथेनॉइड सीरीज किसे बोलते हैं। तो लेंथेनॉइड सीरीज में हम इसमें कल स्टार्ट कर चुके हैं हमारी जनरल प्रॉपर्टीज। तो इसमें प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे एलिमेंट्स का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, मेटेलिक नेचर कैसी होती है, ये कलर्ड नेचर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें हम इसमें कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी के बारे में। जैसे कि हमारे डी ब्लॉक के मेटल्स होते थे, डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते थे वो एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते थे। एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से, जैसे हमारा Mn होता है, 25 Mn होता है, ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, Mn प्लस 2, Mn प्लस 3, ये जो हमारी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने कैलकुलेट किया था। किससे कैलकुलेट किया था, हमारे जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे, जैसे हमने डी ब्लॉक में कैलकुलेट किया था ऐसे हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें कैसे होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप उससे उसकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा, इसके आगे ही लिखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स में, लिखिए इसमें वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कर चुके हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है (n(2)(n-1)d(0)(2)(1)(n-2)(f)(1)(2)(14), ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए, इसमें ये वाला सब शेल भी पार्टिसिपेट करेगा, n वाला शेल हमारा, n-1 वाला शेल और n-2 वाले शेल हमारे किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनमें हम देखते हैं जो n-1 और n-2 वाले शेल्स हैं, ये वाले शेल्स में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। एनर्जी का डिफरेंस क्या है, एनर्जी का डिफरेंस इनमें कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इजिली इन्वॉल्व होंगे तीनों शेल्स के, क्या होंगे, तीनों शेल्स के इजिली इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रॉन्स किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसी वजह से देखो एक एन वाला हो गया, सेकेंड क्या हो गया n-1 वाला हो गया, और थर्ड n-2 वाला शेल हो गया। ये कौन सा होता है, आउटर शेल होता है, ये पेनल्टीमेट शेल होता है और ये इनर पेनल्टीमेट शेल होता है। तीन शेल्स हैं इसमें, तीनों शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों शेल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे किसके, किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो जब ये यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये अपनी वैलेंसी दिखाएगा, ये वाला अपनी वैलेंसी दिखाएगा और ये वाला अपनी वैलेंसी दिखाएगा। इसमें पूरा एक टेबल बनाएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें पहले लिखेंगे लेंथेनॉइड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इन देयर कॉन्फ़िगरेशन n(n-1) and n-2 शेल्स आर इन्वॉल्व्ड, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज लेवल इज वेरी लो। इन लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा कम है। लिखिए इसमें पहले लेंथेनॉइड एलिमेंट्स
लेंथेनॉइड एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स विल रिप्रेजेंट्स विल रिप्रेजेंट्स वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, मोर देन वन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट. क्यों एक से ज्यादा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में लिखेंगे पहले. बिकॉज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n n minus 1 and n minus 2 shells participate in bond formation. Shells participate in bond formation. इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. अब इतना देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इनके बारे में बताएंगे, इन शेल्स के बारे में. शेल्स का एनर्जी डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा कम है. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज शेल्स इज वेरी लो. कैसा है? बहुत ज्यादा लो है. इज वेरी लो. इतना क्लियर है? सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. All electrons will participate in bond formation. सारे electrons क्या करेंगे? Bond formation में participate करेंगे. अब इसमें देखो, हमारे जो lanthanoid elements होते हैं, lanthanoid series के जो elements होते हैं, ये हमारे प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसमें प्लस टू से स्टार्ट होगी. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन में हमारे n वाला शेल पार्टिसिपेट करता है. अगर n वाला शेल, तो कितनी होगी? प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. अब इसमें देखो, ये जो है हमारे, इसकी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये हमारी सबसे ज्यादा कॉमन है. सबसे ज्यादा कॉमन क्यों है? देखो, एक तो होता है n, एक हो गया n माइनस वन, और फिर क्या हो गया हमारा n माइनस टू हो गया. तो इसमें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो n वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हमारे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजिली पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, या आप कह सकते हैं कि इजिली रिमूव हो जाएंगे. जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजिली रिमूव हो जाएंगे, इसी वजह से ये हमारा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स में मोस्ट कॉमन है. लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? प्लस टू है, क्योंकि इसमें हमारा जो एन वाला शेल होता है, ये इजिली रिमूव कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को इन कंपैरिजन टू एन माइनस वन और एन माइनस टू, क्योंकि इनकी एनर्जी, इन दोनों शेल्स की एनर्जी फर्स्ट वाले से ज्यादा है. इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, इसमें द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताई थी अभी आपको? प्लस टू
प्लस टू रीजन लिखेंगे इसमें, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन शेल के इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजली रिमूव्ड, इजली निकल जाते हैं, कैन बी इजली रिमूव्ड इन कंपेयर टू n-1 and n-2 shell. चलिए इतनी बात हो गई, अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे. नोट कीजिए पहले इसको आप. देखिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक से ज्यादा. सबसे पहले क्या लेंगे हम, एलिमेंट्स लेंगे जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उनको लेंगे. 58 सीरियम है हमारा फर्स्ट एलिमेंट. इससे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, जनरली क्या आता है हमारा, NS2 वाला आता है और N-1D वाला आता है, फिर हमारा क्या आता है N-2F वाला. तो ये वाले तीन शेल्स हमें ड्रॉ करने हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आ रहा है. हमारे जो डी ब्लॉक वाले होते थे, डी ब्लॉक वाले में क्या आता था हमारा, NS2N-1D आता था ऐसे. लेकिन इसमें क्या आ रहा है, F वाले में आ रहा है, तो F तक रिप्रेजेंट करेंगे, N-2 शेल तक. तो देखिए इसमें 58 सीरियम, 6s2 और यहां पे क्या आता है फिर 5d1 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे साथ के साथ. क्या आ जाएगा 5d1 और फिर क्या आएगा हमारा, फिर आता है हमारा 4f1. एफ वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एफ वाले शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. 7 ऑर्बिटल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे. देखिए हमारे 6s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरीके से फिल होंगे. 5d वाले में 1 है और 4f वाले में भी हमारे कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है. अब यहां पर देखो, अब यहां पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे. देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, 2 से हो रही है, स्टार्टिंग 2 से हो रही है. तो देखो कैसे करेंगे, प्लस 2 से स्टार्ट होगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन प्लस 3, फिर F वाले का एक इलेक्ट्रॉन प्लस 4. जिसने D ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़े होंगे ना और ये टेबल पढ़ी होगी, उसको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अच्छे से. देखो अब इसमें नेक्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा होता है, 59 Pr. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6s2 5d1 4f2. इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में, क्या आएंगे देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन एस वाले में है, 1 इलेक्ट्रॉन 5d में है और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 4f2 में दिए हुए हैं. तो स्टार्टिंग कहां से होगी, प्लस 2, यहां पे कितने प्लस 2 है, तो स्टार्टिंग किससे होगी, प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4, फिर क्या आएंगे प्लस 5. इसी तरीके से जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती चली जाएगी. नेक्स्ट देखिए 60 Nd, इन सबके नेम आपको लिखा रखे हैं. जब हमने इसमें स्टार्ट किया था एफ ब्लॉक का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें आपको इन सबके नेम्स लिखा दिए गए थे. देखिए 6s2, फिर क्या आएगा 5d1, 5d1 और फिर क्या आएगा 4f3. इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए, कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे. ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे कितनी आएगी, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, इस वाले के लिए प्लस 5 और इस वाले के लिए प्लस 6.
ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती चली जाएगी और आफ्टर मिडल क्या होगी, आफ्टर मिडल डिक्रीज होती चली जाएगी। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला एलिमेंट है कौन सा है हमारा, 61 PM। इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए कैसे करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, कीजिए 6s2 5d1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4f4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4f4 आ जाएगा। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, साथ साथ कर लीजिए, आप सबको आते हैं या निकालिए, साथ साथ कर लीजिए। देखिए ऐसे क्या करेंगे, आगे करेंगे इसमें, टू इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 6s वाले में, 1 इलेक्ट्रॉन है 5d में और 4 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 4f वाले में। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए +2, इसके लिए +3, इसके लिए +4, फिर +5, +6 और +7, ऐसे क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती चली जाएगी। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देखेंगे, इसमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 62Sm, इसके लिए क्या करना है, सेम यही प्रोसेस है 6s2 5d1 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाएगा 4f5 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और F वाले में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, F सबशेल में हमारे 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऐसी हमारी इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती चली जाएगी। कीजिए इसमें कितनी, +2 +3 +4 +5 +6 +7 और +8, कहां तक आ जाएंगे, +8 तक आ जाएंगे। नोट कीजिए इसको। अब इसमें आगे देखो, आगे कौन सा एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट है इसमें 63EU। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसमें एक्सेप्शनल केस है, इसमें देखो क्या आएगा 6s1, फिर आएगा 3d1 और फिर क्या आ जाएगा 4f6, यहां से इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, ये हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के बेस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्टेबिलिटी के बेस पे कैसे होगा, स्टेबिलिटी के बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, समझ में आ जाएगा आपको कैसे होगा। इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 1 है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो ये कैसा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको हमारे स्टेबल होने में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर चला जाएगा। तो कैसे होगा इसका, यहाँ पे 6s1, फिर 3d0 और यहां से 4f7। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन्स हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस वाले में और हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी इसकी, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 और यहां से +9, यहां तक आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही इसमें बाकी के एलिमेंट्स की होगी, बाकी के एलिमेंट्स कौन कौन से देखिए फटाफट देखिए, इसमें 64GD के लिए निकालिए, 64GD के लिए क्या आ जाएगा, 6s1 6s2 आएगा, क्या आएगा 6s2 5d1, ये क्या है यहां से 5 है बेटा, 5 है ये 5d1 और यहां से 4f कितना आ जाएगा, यहां से 4f7 कितना आ जाएगा, 4f7। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे इसमें, सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होने हैं जैसे पहले होते आए हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट एक और इंक्रीज हो जाएगी, प्लस 10 तक पहुंच जाएगी। कहां तक? प्लस 10, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्लस 10। यहां तक क्या हो गई? 10 तक आ गई। नेक्स्ट वाला एलिमेंट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 65Tb। इसमें क्या होगा? 6s1। अब देखना इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होगी कैसे होगा। अब इसमें 5d1, और यहां से क्या हो जाएगा? 4f8। कितना हो जाएगा? 4f8। इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए ऑर्बिटल्स में। 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 6s वाले में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें। अब देखो यहां से क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए प्लस 2, इसके लिए कितना आएगा? प्लस 3। अब देखना जो ये हमारे इस वाले जो इनर पेनल्टीमेट शेल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है हमारा, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग होते हैं ना उनको स्किप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को स्किप कर देते हैं। यहां से काउंट करेंगे फिर प्लस 4, प्लस 5, फिर यहां से प्लस 6, फिर प्लस 7, प्लस 8 और प्लस 9। इसी तरीके से हमारे बाकी एलिमेंट्स का चलता चला जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, 66dy है, 6s2, 5d1 और 4f9। कितना? 4f9। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए। टू इलेक्ट्रॉन्स एस वाले में, 1 इलेक्ट्रॉन डी वाले में और 9 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे किसमें? एफ वाले में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे हमारे। देखिए इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2 इसके लिए, कोमा प्लस 3 इसके लिए, और ये वाले क्या होंगे? ये वाले स्किप हो जाएंगे दोनों। फिर यहां से काउंट होगा प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7 और लास्ट वाले के लिए प्लस 8। ऐसे हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है 67HO। 67 के लिए 6s2, 5d1 और यहां से 4f10। कितना आ जाएगा? 4f10। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए इसमें। टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 10 इसमें आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। कीजिए इसमें काउंट हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7। कहां तक आएगी हमारी? प्लस 7 तक आएगी। नोट कीजिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए 68ER के लिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना आएगा? 6s2, 5d1, 5d1 और यहां से हमारा क्या हो जाएगा? 4f11। कितना हो जाएगा? 4f11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, समझ में आ जाएगा अगर आपने किया होगा तो। यहां से 4f11 देखिए, 6s, 5d और 4f, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 11 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां से अब क्या करेंगे हमारे? वही वाला प्रोसेस है, रिपीट करना है बस। इसमें प्लस 2, इसके लिए कितनी हो जाएगी? प्लस 3, फिर इनके लिए प्लस 4, प्लस 5 और प्लस 6। किसके लिए? इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस 6। नेक्स्ट देखिए बेटा इसमें, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके बाद? 69Tm, 6s2, 5d1 और यहां से 4f12। कितना आएगा? 4f12। इलेक्ट्रॉन्स फिल करो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ऑर्बिटल्स बन गए यहां से।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, टू इसमें, वन इसमें और 12 इलेक्ट्रॉन्स एफ वाले में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। बचे हुए के लिए निकाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए प्लस टू, इसके लिए प्लस थ्री, फिर जो पेयर्ड वाले उनको स्किप कर देना है, फिर क्या आएगा प्लस फोर और यहां से प्लस फाइव, कितना आ गया प्लस फाइव, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई प्लस फाइव आ गई। नेक्स्ट देखिए 70YB, ये भी हमारा क्या है एक्सेप्शनल केस है बेटा, ये भी कीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आएगा 6s2 5d1 और यहां से 4f30। स्टेबिलिटी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस वाले का हम, किसका 70YB के लिए। देखिए अब इसमें एक बार ये वाला और ध्यान से देख लो, फिर कर लेना इसमें बाकी का जो एक एलिमेंट बचता है इसमें। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑर्बिटल बन गए। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, 2 इसमें होगा, 1 इसमें होगा और 13 इसमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक इलेक्ट्रॉन बचा। फुल फील्ड और हाफ फील्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और इसको कैसे बना लेगा, इसको स्टेबल बना लेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 6s2 5d0 5d0 और 4f14, कितना हो जाएगा 4f14, 4 ऑर्बिटल इसमें, 5 ऑर्बिटल्स इसमें आ गए और 7 ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे f वाले में। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें 0 है तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होगा, ये वाला ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, 14 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें प्रेजेंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऑर्बिटल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए प्लस 2, क्या हो जाएगी यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी प्लस 2 हो जाएगी। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्लस 2 आ रही है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो लिखे जाएंगे इसमें, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगी इसके लिए प्लस 3 और इसके लिए हो जाएगी फिर प्लस 4, क्या हो जाएगी प्लस 4। जो हमारा रियल होता है, जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा ये होता है, जब हम इसको स्टेबल करना चाहते हैं, इसको स्टेबल करना चाहते हैं तभी तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके घर भेजते हैं। एक्साइटेड स्टेज के लिए हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख रहे, किसके लिए लिख रहे हैं हम, हमारी ग्राउंड स्टेज के लिए लिख रहे हैं। तो देखिए इसमें लास्ट कौन सा रह जाता है, लास्ट रह जाता है हमारा 71 LU, ल्यूटियम के लिए निकालिए 6s2 5d1 और यहां से क्या हो जाएगा 4f14, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, 2 इसमें, 1 इसमें और सारे इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे आएंगे पेयर्ड फॉर्म में आएंगे विद अपोजिट स्पिन। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसकी प्लस 2 आ जाएगी और यहां से प्लस 3 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां से कंप्लीट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट आज के लिए बस इतना ही। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट है अपने डाउट क्लियर करोगे कहां करोगे, इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी physics_guru_india, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां से इसको फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर जाकर और यहां से आप अपने मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, छोटा सा एप्लीकेशन है, और फिर आपको क्या करना है उस पर सर्च करना है क्या फिजिक्स गुरु इंडिया, सर्च बार में आईडी बनाइएगा, पहले व्हाट्सएप की तरह आईडी बनती है और फिर उसमें सर्च बार में सर्च करना है आपको फिजिक्स गुरु इंडिया और वहां से आप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम पर स्टार्ट करेंगे हमारी बाकी की प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज से रिलेटेड जितनी भी बाकी की प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।